as the great religious teacher Swami Vivekanand once said. Nani? India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Mr. Donald Trump. Ganja. कैसे हो बंधु? देख लो सालो, देख लो पीछे की बैकग्राउंड बदल चुका हूँ। तुम लोगों से बहुत गालियां खाई है मैंने, तो हार के मैंने डिसाइड कर दिया कि पीछे से जो घोड़ी वोड़ी वट एवर इट वॉज सब उठा दिया मैंने और पीछे बिल्कुल सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड लगा दिया। तो अब अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं ना करा तो सालो दोस्त बदलने पड़ेंगे। यू आर राइट ब्रो। तो जैसे कि तुम जानती हो कि नया साल शुरू होने वाला है और नए साल में 2021 में नई नई बकचोदियां आएंगी जिन्हें हम मीम से डिफाइन करेंगे, पर उन मीमस को भी थैंक यू बोलना जरूरी है जिन्होंने 2020 का कोरोना भरा साल भी हम लोगों के लिए हैप्पी बनाया। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को भी थैंक यू बोल देना चाहिए जिन्होंने हम यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे फिलर्स दिए जिन्हें हम वीडियो में यूज कर करके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं। तो बात है जनवरी 2020 की, जब दुनिया की फटनी शुरू होने वाली थी, तब एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जो चांदी के चम्मच से दूध पीता था, धीरू भाई अंबानी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करता था, लॉस एंजलिस से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता था, धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी से अपनी फिल्म की स्टार्ट करता था, वो छोटा सा बालक जो अपनी जीप से अपने नाक को टच करके अपनी एक कलाकारी दिखा रहा था और स्ट्रगल कर रहा था। आप एक्टिंग के अलावा और किस किस में शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद है? शौक? मैं एक्चुअली मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं। हाउ क्यूट। इट्स माय टैलेंट। वेरी नाइस। Oh, not bad. खो न जाए ये तारे जमीन पर। इस मासूम से बच्चे को क्या पता था कि इसका एक स्टेटमेंट इसे जिंदगी भर का मीम कंटेंट बना देगा। So I don't want to make it seem because I've always wanted to be an actor. This has been my dream as well. And I feel like just because my dad's an actor, I'm not going to say no to an opportunity to act. You know, my dad has never been in a dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggles. It's like we're almost like blaming them for being born in a family. I think everybody has their own struggle. Yeah. Exactly. सबका struggle अलग होता है. But difference ये है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है. हाँ. But difference ये है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है. Bye bye, Tata, goodbye, गया. खैर इतना डीप में नहीं जाते क्योंकि इस पे रोस्ट अलग से करूंगा, याद है मुझे, इसकी तो अलग से मैं बैंड बजाऊंगा। पर जस्ट टू लेट यू नो कि ये था जनवरी का सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा मीम कंटेंट। और इसके बाद आया निब्बा निब्बियों के प्यार करने का महीना, यानी कि फरवरी। और मुझे सीरियसली इस बार भी लगा था कि किसी निब्बा निब्बी की लार टपकती फिरेगी और फिर से ओयो वाला मीम वायरल होगा, पर वायरल क्या हुआ यार, तुम वो देखो। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। वाह 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 वाह। इन शॉर्ट, राहत साहब जो कि अब हमारे बीच में नहीं रह, राहत इंदौरी साहब, उन्होंने हमें यही समझाया था कि सालो सख्त बनो, पर इन साले टिकटॉक ने ना उसका भी मतलब इधर उधर बदल दिया। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं, बुलाती है। ए होटरा लगड़िया नक वे दा कड्डा खड़ेदा। तो चलो उसके बाद आया मार्च का महीना। तो मार्च में कोरोना के साथ एक और चीज आई और वो थी ये नेहा 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 पता नहीं नेहा दीदी को ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने फेक फेमिनिज्म के चक्कर में ना नेशनल टेलीविजन पर ये हक डाला। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में पांच और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, पांच और। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ओह माय गॉड, वाओ। मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू। बंटी तो चूतिया है।
nobody gives you the right, nobody gives you the right to slap a girl. Few moments later. जितने भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को, एक भी नहीं, चार. सर चार नहीं है, बहुत है. चार वो है जिनको मैंने मारा है. ऐसा लगा मारने के बाद मजा आया था? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. और इसके बाद मार्च में पूरी तरह प्रवेश कर चुका था चाइना का बीज यानी कि कोरोना वायरस. और तुम्हें याद ही होगा जनता कर्फ्यू का दिन. और सच बता रहा हूँ कि उस दिन मुझे कर्फ्यू कम और म्यूजिक फेस्टिवल ज्यादा लग रहा था. अंकल ने बोला कि मेरे प्यारे देशवासियों उठो और बजाओ. है? मेरा मतलब है थाली बजाओ. इसके बाद तो साला कोरोना भी सोच रहा था कि सालों में बीमारी कम और त्योहार ज्यादा हूं. और अप्रैल में जहां लोग अपनी तशरीफ बचाने में लगे थे कोरोना से, वहीं कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की मां बहन एक करके कोरोना भगाने में. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. Few moments later. कैसा लगा मेरा मजाक? और फिर आया मई का महीना. और मई के महीने में हमारे सामने आई एक सनसनाती थरथराती टिकटॉक की बेटी. What's up everybody, that's your boy Amir Siddiqui, live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ही मजे में चल रहे थे हम लोग जब तक तूने ये हरकतें नहीं करी थी. आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो. तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया. ये साला गले में गमछा और मई के महीने में लेदर जैकेट डालने वाली कौन सी बुद्धि को दर्शा रहा है? हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है. हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है. लेकिन यार एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो. मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं. मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? और फिर आया यार जून का महीना. और जून के महीने में दूसरे ही हफ्ते में हमारे पास बहुत बुरी खबर आई कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस स्टार सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुइसाइड कर लिया. बहुत से स्टोरी के एंगल निकले और बहुत से बने मीम्स. और मीम्स का शिकार बनी ये औरत. गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए. फ्लैशबैक. इनको एक्टिंग करके बेवकूफ बना लेंगे. इनको क्या ही पता है. पर इसका जो सबसे बढ़िया मीम वायरल हुआ था ना, वो था इसका खुद का इंटरव्यू जो था राजदीप सरदेसाई के साथ. आज आप चुप्पी तोड़ रही है, क्यों? आज का दिन आपने क्यों चुना है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है. म्यूजिक. और फिर आई जुलाई जब पलटी विकास दुबे की गाड़ी और बने यूपी पुलिस पर बहुत सारे मीम्स. और इसी महीने मीम्स बने हमारे महान ड्राइवर और हिरन शिकारी सलमान भाई पर, जो अपने फार्म हाउस पर पता नहीं कौन कौन से गाने निकालते फिर रहे थे और मिट्टी में लिपटकर पता नहीं क्या ही दिखा रहे थे. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. और उस टाइम भाई फार्मिंग दिखा रहे थे, लेकिन अब कहाँ है वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहाँ कहाँ छिपा हुआ है? और फिर आई अगस्त जब हमारे पास आया ये सवाल. तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? शक्तिमान, शक्ति.
पर इसके अलावा अगस्त में एक और मीम आया जो कि मुझे पता नहीं क्यों वायरल हुआ था, पर हो गया। नो नो चुप, बिल्कुल चुप। मैं गरीब 2.0 हूँ। हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे गरीब 2.0 जन्म दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या करूँ ना। इसकी स्टोरी अगर तुम्हें जाननी है ना तो मेरे चैनल पर इसका ये रोस्ट पड़ा हुआ है यार, जरूर देखो। एंड ऑफ कोर्स फिर आया अक्टूबर, और अक्टूबर में आया बाबा का ढाबा स्कैम। Dermanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Adana çocuğu aga şehrimin delisi. And then with baba ka dhaba scam there came Mirzapur, jiske memes bahut hi famous hue. Par sabse zyada famous hua tha ye wala meme. Mummy bahut decent family se thi hamari. नवंबर में ये बागड़ बिल्ला जेल से बाहर निकलते ही पता नहीं सड़कों पर कौन सी अलग लेवल की क्रांति लाता फिर रहा था। जहाँ एक तरफ अर्नब कुत्ते की तरह लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बालक निब्बा निब्बियों के प्यार को डिस्क्राइब कर रहा था। और जैसे ही साल की शुरुआत में मीमस ने इस नेहा का काटा था, साल के एंडिंग में इस नेहा ने मीमस का काट दिया। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। मेरा तू ही टूटा है, तू अपना ख्याल। मर गया माता ला 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 ला। एंड डोंट फॉरगेट कंगना दिलजीत की फाइट, जिस पर मैंने ये रोस्ट भी निकाला था। और मीम्स तो यार इंटरनेट पे देखोगे बहुत सारे मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई थैंक टू ऑल द मीमर्स जिन्होंने हमें 2020 में बहुत सारे फिलर्स दिए, बहुत सारे मीम्स दिए जो हमारे कंटेंट में दो चार चांद लगा देते हैं। सो थैंक यू। हम 2021 में भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे मीम्स हमारे लिए लेके आए, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छे से फिलर्स मिल जाएं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, किस पे तुम्हें रोस्ट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, वैसे मैंने बंद कर दिए हुए हैं, शॉर्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। प्लस अब हम रोस्ट निकालने वाले हैं, अभी तक टॉपिक वैसे डिसाइड नहीं करा, सो कर लूंगा। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कुछ बताना हो बताना, हम वहां पे बातें बातें मारेंगे। सो तब तक के लिए सायोनारा। रुको जरा, सबर करो।